हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, जो ये पीछे 3-4 दिन से न्यूज़ चल रही है, तो उसी न्यूज़ पे मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था, मैं वीडियो नहीं बना पाया इस पे। तो जो ये वीडियो है, ये है जो अब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में एंटर कर गई थी। तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि ये कौन क्या चीज़ आई है, क्या नहीं आई है, क्योंकि वो डिटेक्ट तो उन्होंने शायद कर लिया होगा, क्योंकि रेडार पे आ जाता है। लेकिन उसके लिए जो चीज़ चाहिए होती है कि मिसाइल को रोकने के लिए, एक मिसाइल चाहिए होती है जो उसको हिट करे और उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो उन्होंने वैसे तो खुद ही मान लिया है कि हमारे वो आई थी, हमने कोई गिराई नहीं, वो अपने आप ही गिर गई, वो अपने आप ही नहीं गिरी। तो वो उसका जो फ्यूल वगैरह था, जो रेंज थी, जहाँ तक सेट थी, वो वहाँ तक थी, वो वहाँ जाके गिर गई। और जो भाई लोग, मेरे दिमाग में जो चीज़ है ना, मैं आपको सही बात बताता हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि ये जब हमारा हुआ था ना, अभिनंदन वाला केस हुआ था, तब जो इंडिया ने वहाँ पे मिसाइल्स लगाई थी, तो उस पर पाथ दिए जाते हैं। मिसाइल को हमेशा पहले पाथ दिया जाता है कि यहाँ जाके गिरनी चाहिए। जब इन्होंने कहा था कि 9 बजे इंडिया हमला कर देगा, तो मिसाइल जो लगा दी थी, वो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल लगाई थी वहाँ पे, जो हिट करने के लिए लगाई थी। तो मेरे हिसाब से, जो मेरे को नहीं पता ये कहाँ तक सच्चा है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया, मेरे को सिर्फ ये लगता है कि इंडिया ने जो टेस्ट किया, इसको चलाया है, इसको जानबूझ के चलाया गया है। कभी हो नहीं सकता कि ऐसे कोई मिसाइल मिसफायर होकर अपना पाथ बदल ले और वहाँ का पाथ हो जहाँ पे हमने पहले टारगेट किया हुआ था, क्योंकि इनका बेस है मिलिट्री का, जहाँ पे ये जाके ये थोड़ी किलोमीटर आगे गिरी है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ इससे ये है कि इंडिया ने ये टेस्ट किया है कि ये इस जो इनका जो डिफेंस सिस्टम है, GHQ, जो चाइना से लिया है, जो 300 की कॉपी है, कि ये डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है, इसको शूट डाउन करते हैं या नहीं करते। तो मेरे हिसाब से जो स्पेकुलेशन है, ये 110% मेरे को ये लगता है कि इंडिया ने जानबूझ के ये टेस्ट किया है और चेक करने के लिए किया है कि अगर ये गिरा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्रह्मोस गिरा सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने गिरा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया हमने गिरा ही नहीं। भाई, अगर तुम्हारे एयर स्पेस में आ गई है, 3 मिनट 40 सेकंड तक सुना है कि वो मिसाइल इनके एयर स्पेस में थी, तो 3 मिनट 40 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर एयर डिफेंस में इतनी काबिलियत हो, तो 3 मिनट 40 सेकंड बहुत ज़्यादा, 3.5 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि किसी मिसाइल को गिरा के फेंक दिया, गिराया जा सके। एक्चुअली में इनको पता तो चल गया था, ये देख रहे थे बेचारी जा कहाँ रही है। ठीक है, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगर ये मिसाइल इन्होंने फायर की भी होगी, वो हिट भी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब ये तो इन्होंने लुको लिया होगा कि हमने फायर किया है, हिट नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि हमने इनकी काबिलियत टेस्ट करनी थी। और दूसरा चक्कर ये भी हो सकता है कि इंडिया ने इनको, एक तो काबिलियत चेक कर ली, दूसरा इंडिया ने इनको एक और रेस में लगा दिया है कि अब आपको कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए, ऐसी मिन्नतें करो, ऐसी भीख मांगो बाहर जाके, या ऐसा पैसा खर्च करो कि आपका डिफेंस का जो बजट है वो बढ़े, क्योंकि इकोनॉमिकली वीक हो आप और कहीं पैसा ना लगाओ, यहीं एक पैसा लगाओ। क्योंकि हमने इसके बाद फिर अपनी हाइपरसोनिक तैयार कर लेनी है, उसका तोड़ दूँ इनको, यानी कि हमने गेम में उलझा के रखना है। तो मेरे हिसाब से ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि मिसफायर हुई है, या फिर ये घूम के गई है, जानबूझ के इस मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ भेजा गया है। चलो, ये बात वो होती रहेगी, मैं आपको करता रहूँगा, लेकिन पहले फ़िलहाल हम पहले वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो है प्रशांत धवन सर की, वर्ल्ड अफेयर्स की। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्रशांत धवन सर को, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत ऑथेंटिक होती हैं। तो इन्होंने जो इसका टाइटल दिया है, वो दिया है USA स्पोर्ट्स इंडिया ऑन ब्रह्मोस मिसाइल हिट ऑन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान को जो इंडिया को सपोर्ट किया USA ने, चल देखिए, देखते हैं ये कैसे है, क्योंकि मैंने ये वीडियो देखी नहीं हुई कि USA में क्या चल रहा है, कि उन्होंने कैसे सपोर्ट किया है। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में फिर बात करेंगे थोड़ी सी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल गलती से इंडिया ने हिट कर दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने मिलिटरीली उसका जवाब तो नहीं दिया, मगर अब ये लोग कह रहे हैं कि इस इशू को ये लोग करेंगे इंटरनेशनलाइज। पाकिस्तान यहाँ पर ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हर परमानेंट मेंबर और इवन नॉन परमानेंट मेंबर को भी ये लोग चिट्ठी भेजेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया ने ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी थी साउथ एशिया में। अब इस बीच क्या हुआ है,
यूएसए की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। यूएसए ने कहा है कि देखिए ये एक एरर था, पाकिस्तान को कुछ और समझना यहां पर नहीं चाहिए। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल है टीआरटी वर्ल्ड का कि यूएस हैज नो इंडिकेशन दैट दिस इंसिडेंट, जो ये ब्रह्मोस हिट हुआ है पाकिस्तान को, वॉज एनीथिंग अदर देन एन एक्सीडेंट। ये बस एक एक्सीडेंट है, पाकिस्तान को कुछ और यहां पर एज्यूम नहीं करना चाहिए। मगर पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम लोग इंडिया की एक्सप्लेनेशन या फिर यूएस की जो यहां पर एश्योरेंस है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर के हर देश को ये कहेंगे कि प्लीज इंडिया ने जो किया है इस पर फोकस करिए और इंडिया पर इंटरनेशनल दबाव डालिए। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ, इन्होंने तो यहां पर यह भी कह दिया कि हमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि असली रीजन पता लगे कि इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल क्यों फायर किया है। क्योंकि पाकिस्तान भी यहां पर मान के चल रहा है कि रियल रीजन कुछ और हो सकता है, ये सिर्फ कोई एक्सीडेंट नहीं था, इंडिया ने कुछ टेस्ट करने की कोशिश करी है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को। ये ऑफकोर्स पाकिस्तान के एनएसए क्लेम कर रहे हैं। नाउ इस टॉपिक को इंटर डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने 85 बार सुना होगा कि इंडिया ने QRSAM को टेस्ट फायर किया है। कई बार तो हम लोग 4-5 दिन में 2-3 बार भी इनको टेस्ट फायर कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो ये QRSAM मिसाइल है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत न्यूज़ में रहता है, आप सबको बताना चाहिए इसके बारे में। और सिंस अब ये मिसाइल वाला इशू काफी हद तक न्यूज़ में आ चुका है, यू शुड नो अबाउट दिस प्रॉपरली। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कॉमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। सही आंसर जो है इसका ये मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ आप से कुछ लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जब इनिशियली पाकिस्तान के DGISPR ने किराया वाले मीडिया को, जो आप बात पाकिस्तान के करें, मीडिया को ये जिसमें बताया था कि कहा कि गिरे कि इंडिया ने लॉकेट हम पे मिसाइल से हिट कर दिया किराया है, उस वक्त तो पाकिस्तान काफी हद तक काम था। अब अचानक से इनको क्या हो गया है? देखिए धीरे धीरे पाकिस्तान रियलाइज कर रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या है। इंडिया की तरफ से तो ऑब्वियसली ये सब एक एक्सीडेंट है, मगर एक्सीडेंट पे भी इंडिया को काफी एडवांटेज मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो हमको ये पता लग चुका है कि पाकिस्तान के जो चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम के इनके पास वेरियस कंपोनेंट्स हैं, इन सब की कैपेबिलिटी है नहीं कि ये ब्रह्मोस को रोक पाए। पाकिस्तान ने 2017 में HQ-16 परचेज किया था चाइना से, उसके अलावा वेरियस और टाइप के ये एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज करते हैं चाइनीज मेड, सब यहां पर बिल्कुल फेल कर गए। ब्रह्मोस को कोई भी रोक नहीं पाया। और एक बार कोई ये अगर मिसाइल हिट करता पाकिस्तान की बॉर्डर पे, वो फिर भी एक बार को ये लोग एक्सप्लेन कर देते, मगर ब्रह्मोस पाकिस्तान के एयर स्पेस में 3 मिनट कुछ 40-30 सेकंड तक लगातार उड़ता रहा। उसके बाद इसने हिट भी किया, पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट है। और देखो यहाँ पे आप कह सकते हैं शायद उन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया हो। देखिए ये एक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मोस पर कोई वॉर हेड नहीं था, ब्रह्मोस यहाँ पर अनआर्म्ड था। ये बात पाकिस्तान को तो पता नहीं थी, ये बात ये लोग कन्फर्म ही नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान तो इनिशियली यहाँ पर यही मान के चलता कि एक आर्म मिसाइल इनकी तरफ आ रहा है। तो सिंस इनको ये शूट डाउन नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है पाकिस्तान आर्मी की। उसके अलावा अब ये एस्पेक्ट भी है कि पाकिस्तानी जनता भी काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेशन फील कर रही है अपनी मिलिट्री को लेकर। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान रिप्लाई करे इस ब्रह्मोस स्ट्राइक का, स्पेशली मियाँ चानू की वीडियोज देखने के बाद। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो है मियाँ चानू की, जहाँ पर ब्रह्मोस ने हिट किया था। आसपास आप देखोगे कई घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। थैंकफुली मेरे हिसाब से ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे या फिर कोई यहाँ पर रहता नहीं था। अजीब है वैसे टू बी ऑनेस्ट, मतलब घर भी बने हुए हैं आसपास, कुछ लोग भी दिख रहे हैं, मगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई रहता नहीं था। खैर अच्छी बात है, मैं तो ये कहूंगा हम लोग भी ऑफकोर्स यही चाहेंगे कि कोई सिविलियन इंजरी इस केस में ना हो। पर जो ये इमेजेस निकल के आ रही है, जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उससे पाकिस्तान भी काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है कि इंडिया ने इस टाइप का एरर कर दिया और ये लोग इसको रोक भी नहीं पाए। और पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन का एक्चुअली सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान ने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया है, ये बात खुद ही मान ली है कि इंडिया के पास एक ऑप्शन थी कि जब ब्रह्मोस मिसाइल हवा में था, ये ट्रैवल किया है हवा में करीब 6 मिनट तक, करीब 2.5 मिनट इंडियन टेरिटरी में, फिर 3.5 मिनट पाकिस्तान टेरिटरी में। तो 6 मिनट का जो टाइम था, इंडिया को पता लग गया था सबसे पहले कि मिसाइल मिसफायर हुआ है, गलती से खुद ये लॉन्च हो गया मिसाइल। तो जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है, मतलब कि मिसाइल खुद ही विस्फोट कर जाता है, ये एक्टिवेट कर देते ताकि मिसाइल धरती पे गिरता ही ना, हवा में ही विस्फोट हो जाता। इंडिया ने ये भी नहीं किया। तो पाकिस्तान अपने आप यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि ब्रह्मोस में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म होता है, जबकि मैं आपको ये बता दूं ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं होता। रिसेंटली इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी आया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, कन्वेंशनल मिसाइल्स लाइक द ब्रह्मोस डू नॉट हैव सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मोस में ऐसा होता है। आप देखोगे कोई भी मिसाइल जो ऑपरेशनल यूज के लिए डिप्लॉय किया जाता है, आप उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं लगाएंगे। उसमें यही होता है कि एक बार आपने लॉन्च कर दिया वो मिसाइल, तो वो वापस नहीं आ सकता, वो अपने टारगेट को हिट ही करेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएस मिलिट्री का एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है
कि जो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला फीचर है ये ऑपरेशनल मिसाइल में नहीं होता। देर इज नो वे टू रिकॉल एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल वंस इट हैज बीन लॉन्च्ड एंड दे डू नॉट हैव सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म। ये बात यूएस, रशिया, दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री में ही आपको मिलेगी। इवन पाकिस्तान में भी जो बाबर मिसाइल है वहां पर सेम सिस्टम होगा। ये बात आई थिंक पाकिस्तान की मिलिट्री को पता है, मगर जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये कहकर कि इंडिया एक बार को ये मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता था, मगर इन्होंने इंटेंशनली सोचा कि ठीक है एक बार को पाकिस्तान को हिट होने दो। तो इस सब की वजह से पाकिस्तान अजीबोगरीब डिमांड्स कर रहा है। पहले ये लोग कह रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूएस, अभी ये रशिया के पास भी जाएंगे, चाइना के पास भी जाएंगे। इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना यहाँ पर क्या कहता है ऑफिशियली, रशिया भी क्या कहता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट अब पाकिस्तान को इंटरनेशनली इसका कोई सपोर्ट मिलने नहीं वाला, क्योंकि दुनिया भर में हर देश जानता है कि मिसाइल मिसफायर हो सकते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो 2021 में सीरिया का भी एक मिसाइल मिसफायर हो गया था। इसराइल भी इस इशू को लेकर बहुत ज़रा अंडरस्टैंडिंग था। और प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूँ कि मिसाइल मिसफायर ताइवान कर चुका है, चाइना पर, यूएस कर चुका है, टर्की पर। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली किया जाता है, इट इज़ जेन्युइनली एन एरर। मगर पाकिस्तान ऑफकोर्स यहाँ पर यह चाहता है कि इंडिया एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करे, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया में आए और इनको पता लगे कि ये जो एक्सीडेंट है हुआ कैसे है। ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पर मना कर देगा इस सब के लिए, क्योंकि इससे हमारी जो मिलिट्री सीक्रेट्स हैं ये लीक हो सकते हैं, हम ऑब्वियसली ये गलती नहीं करने वाले। तो यहाँ पर आप पूछेंगे तो इस इंसिडेंट से हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली दोनों कंट्रीज क्या सीख सकती है इस इंसिडेंट से। देखिए 1999 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं बायलैटरल लाहौर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें ये बात लिखी हुई थी इस 1999 के एग्रीमेंट में कि मिसाइल लॉन्च के मामले में दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा जिसके अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए। मेरा ये मानना है कि जो ये 99 का एग्रीमेंट है इसने क्रिटिकल रोल प्ले किया है इंडिया और पाकिस्तान में मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करने में। तो इस इंसिडेंट से लेसन यही मिलता है कि और हॉटलाइंस एस्टैब्लिश होनी चाहिए ताकि इन द फ्यूचर किसी और एरिया में भी, अगर मान लो कोई हमारी वॉरशिप है वहाँ से कोई मिसाइल मिसफायर होता है, उसके बारे में भी हम पाकिस्तान को प्रॉपरली बता पाएं। बेसिकली दोनों कंट्रीज़ में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। दैट शुड बी द मेन लेसन आउट ऑफ दिस इंसिडेंट। और फाइनली वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि QRSAM मिसाइल इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। और ये मिसाइल डेवलप किया है DRDO ने और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने फॉर द इंडियन आर्मी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार UPSC एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे, आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल यहाँ पे आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म, आपने वीडियो देख ली, इसके रिगार्डिंग तो आपको अब सारी नॉलेज हो गई है, मेरे को भी पता चल गया कि देखो ऐसा होता है कि कोई भी बंदा, हम कैसे बोल देंगे उनको पाकिस्तान को कि ये हमने टेस्ट किया है आपके ऊपर। मेरे बेसिकली दो तीन क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो हम हरियाणा में से या पंजाब में से या फिर इसमें से कोई भी, हमारी आज तक मैंने नहीं कोई सुनी कोई टेस्टिंग हुई है किसी मिसाइल की, टेस्टिंग करनी है या कुछ करनी है तो वो तो हमारी साउथ में होती है मोस्टली, हमारी सारी वहाँ उस तरफ होती है क्योंकि वहाँ पे आबादी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर टेस्टिंग होगी, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर हमने यहाँ से ही करनी होती हरियाणा में से, ठीक है, हम दिल्ली की तरफ करते, हम किस तरफ करते, पंजाब की तरफ करते, अगर कोई मिस फायर हो जाता, मिस हैपनिंग हो जाती, मिसाइल हमारे आबादी के ऊपर गिर जाती तो हमारे बंदे मरते हैं। तो हम कभी भी यहाँ से नहीं करते। तो ये सिर्फ बातें हैं जो कही जा रही हैं और अमेरिका को भी पता है, सबको पता है कंट्रीज़ को, कि इंडिया ने जो किया है ये टेस्ट टूस्ट कुछ नहीं था, ये 110% है, मैं तो श्योर हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी टेस्ट कोई भी होता है वो आबादी से स्टार्ट नहीं होता और आबादी के ऊपर ऊपर नहीं टेस्ट घूमते, ठीक है। ये टेस्ट होते हैं समुद्र के किनारों पर होते हैं, जहाँ फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान हो या दूर हो, दराज का इलाका हो, जहाँ पर आबादी ना हो, वहाँ पर ये टेस्ट किए जाते हैं। तो ये भाई, ये तो सारे प्रशांत सर भी यही कह रहे हैं कि इंडिया ने ये किया, ठीक है, क्योंकि ये कहना पड़ता है क्योंकि इनकी इनकी रीच ज़्यादा है,
प्रशांत सर की, जिनकी ज़्यादा रीच होती है वो नहीं बोल पाएंगे, अब हमारी तो रीच नहीं है भाई, लेकिन हमारा दिमाग तो उतना ही है ना जितना दुनिया का है, लेकिन हम भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि हरियाणा में से क्यों टेस्ट किया गया, जबकि ब्रह्मोस हमारी टेस्टेड है, ये 350 किलोमीटर वाली रेंज वाली ब्रह्मोस थी, सॉरी 290 वाली, ठीक है, हमें तो पता है कि ये टेस्टेड है, हमें बार बार टेस्ट करने की, अब पाकिस्तान के बॉर्डर पे रख के टेस्ट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो बात ये है कि वैसे तो पाकिस्तान को कोई कंट्री मुंह नहीं लगाएगा, सबने यही कह देना ये तो मिस फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, वो जो प्रशांत सर बोल रहे हैं कि वो हो जाते हैं मिस फायर, वो हो जाते हैं, लेकिन वो वार सिनेरियो होता है भाई, ठीक है, मिस फायर हुआ जब जब हम किसी को करते हैं, कोई इंटीमेशन नहीं दी सरकार ने, इंडिया में कोई ये आपने देखा ही नहीं होगा कोई हमारी एयर स्पेस को, या अगर किसी के पास आर्टिकल है इसके ऊपर, या किसी गवर्नमेंट का आया हुआ है इस पर नोटिस आया हुआ है, तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया में एयर स्पेस पे को अलर्ट किया गया था, मेरे ख्याल से नहीं किया गया होगा, क्योंकि अगर ये टेस्ट वार होना था तो इंडिया की एयर स्पेस को भी टेस्ट करना था, उन्होंने वहाँ जहाँ तक ये जानी थी मिसाइल वहाँ तक इसको करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया ने जो उसमें डेटा फीड था, वो अभिनंदन सर को जब बचाने के लिए जब मिसाइल दागनी थी, जो इसमें डेटा फीड था, जो पाथ उसका फीड था, उसको इन्होंने बिना अनआर्म्ड इसको यूज़ किया, क्योंकि इनको पता था कि आर्म्ड यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आर्म्ड का ये बाद में बहाना नहीं लगा सकेगा इंडिया कि आर्म्ड रख के आपके कैसे टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, इसलिए अनआर्म्ड रख के ही टेस्ट किया गया, इसको पहुंचाया गया, इसको चेक किया गया कि ये पाकिस्तान में अगर जाती है तो इसका क्या, हमें इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, वो क्या कर सकते हैं। तो भाई यहाँ तक तो मेरा यही क्वेश्चन है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब ये पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो तुम्हारी हम भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंडिया के साथ रेल, अबे तुम क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, तुम्हें तो बनने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो सस्ता वो तेरे नाम वाला है इनका NSA है, बकवासबाजी मारता रहता है बैठ के वहाँ पे, हमने नहीं करना भाई तुम्हारे साथ टेस्ट वेस्ट, जाओ दफा हो यहाँ से, हमने नहीं कोई तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन करनी, चलो भागो यहाँ से, ठीक है, हमारा काम था, हमने जो करना था वो कर लिया, वो हमने टेस्ट करना था। इससे एक चीज़ मेरी और क्लियर होती है, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो इंडिया का टारगेट है ना 2030 का, POK का, सिर्फ POK बोल रहा हूँ, GB के अभी नहीं, POK का जो हमारा ब्लू प्रिंट तैयार हुआ है ना, ये उसका एक हिस्सा है, ये टेस्ट किए जा रहे हैं कि कल को अगर पाकिस्तान के साथ कुछ वहाँ से करते हैं तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये पाकिस्तान को सिर्फ बताया भी गया है, हो सकता है इंडिया को तो पता ही था कि ये नहीं कर पाएंगे, इसको गिरा नहीं सकेंगे, तो इंडिया ने एक इंटीमेशन भी भेजी है पाकिस्तान को कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो मिलिट्री ठिकाने हैं वो सारे हम यहाँ से ही बैठे बैठे ख़त्म कर देंगे ब्रह्मोस के थ्रू, ठीक है, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो उनको एक डर उनके अंदर, क्योंकि डर जो होता है ना किसी के अंदर बैठा दो, ठीक है, तो वो डर के बंदा कुछ नहीं कर पाता, जैसे इनको ब्रह्मोस का सिर्फ पता था कि ये ब्रह्मोस ऐसे जाती है, डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन इनको प्रैक्टिकल करा के दिखा दिया, अब इन्होंने हमने इन्होंने क्या हम इंडियंस ने इनको करके दिखा दिया है कि अगर हमने ये किया, तुम सिर्फ किताबों में पढ़ते होगे या तुमने सिर्फ टीवी पे देखा होगा कि ब्रह्मोस का ये है, ब्रह्मोस वहाँ उड़ती है, ये डिटेक्ट नहीं होती, ये इतनी नीचे चलती है, ये हमने आप पे टेस्ट कर लिया है, हमने फुल टेस्ट कर लिया है आप पे, आपको पता चल गया इस बात का, आपकी आर्मी आपको जितना मर्जी बेवकूफ़ बना ले, लेकिन अंदर से आर्मी को पता है कि इंडिया ने क्या किया है हमारे साथ, ठीक है, इंडिया ने आप पे ऊपर टेस्ट कर लिया है, आपको दिखा दिया है कि इंडिया के पास ये ताकत है और आपके पास ताकत नहीं है। तो भाई लोग ये बात आप मानो चाहे ना मानो, ये मैंने जितना स्टडी किया है मेरे को यही समझ आई है कि ये जानबूझ के ये किया गया है, और उनको दिखाने के लिए, उनकी औकात दिखाने के लिए कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम अगर कुछ करने जा रहे हैं 2030 तक, जो भी गवर्नमेंट का प्लान है, जो मैंने बता रखा है, ब्लूप्रिंट तैयार है उसका, सिर्फ इंडिया वेट कर रहा है उसकी कि कब इंप्लीमेंट करना है, कब हमने POK लेना है, उस प्लान के तहत ये भी एक टेस्ट था जो पाकिस्तान पे स्पेशली किया गया है, क्योंकि हमें यहीं पे करना था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि उसको पाकिस्तान नजर आया, उसको दिल्ली क्यों नहीं नजर आया, उस मिसाइल को दिल्ली क्यों नहीं नजर आया, उसको एयर डिफेंस, वो मियाँ चन्नू का जहाँ पे इनका पाकिस्तान का मिलिट्री बेस है उससे कुछ किलोमीटर पहले ये गिरी है, तो इसको वही क्यों नजर आया, इसको हरियाणा क्यों नहीं नजर आया, इसको यूपी क्यों नहीं नजर आया मिसाइल को, इसको हिमाचल
हिमाचल क्यों नहीं नजर आया, इसको जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा उधर क्यों नहीं नजर आया, ये घूम के पाकिस्तान को, यानी कि इसका मतलब है हमारी मिसाइलें भी नफरत करती हैं। जो जोक्स पार्ट, मैंने वैसे ही बोल दिया कि पाकिस्तान को भी हमारी मिसाइलें नफरत करती हैं भी, यही घूम के पाकिस्तान को चलती हैं भी, चलो चला इनका मिलिट्री वेट बेस देखते हैं। तो ऐसी बात नहीं भाई। तो मेरे कहने का मतलब एंड ऑफ द ये कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यही जानबूझ के किया गया टेस्ट, पाकिस्तानी आर्मी को एक मैसेज भेजा गया है कि भाई लोग तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, और हमने भी ये टेस्ट कर लिया है कि ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उठाई फिरते ना चाइनीज रेडार सिस्टम, और हमें चाइना का भी पता चल गया, HQ-16 है ना जो उनका, S-300 का जो कॉपी है, अब पता चल गया ना कॉपी और ओरिजिनल में क्या फायदा फर्क होता है, ये होता है, अगर S-300 होता है शायद माइट भी वो रोक लेता, लेकिन अभी मेरे को उसमें कैपेबिलिटी का पता नहीं कि वो क्रूज मिसाइल को रोक सकता है या नहीं रोक सकता, कि सुपरसोनिक है, क्रूज मिसाइल बहुत डाउनफॉल पे चलती हैं, लेकिन ये 40,000 ऊपर चला रहे थे, पता नहीं, अब इंडिया तो बोलेगा नहीं इस पर भी कुछ भी, ठीक है, इंडिया ने जो करना था वो तो चुप करके बैठ गए हैं, ये पाकिस्तान बोल रहे हैं कि 40,000 फीट पे ऊपर चल रहा था, तो 40,000 या 50,000 फीट पे जहाज भी चलते हैं, जो हमारे दूसरे जहाज होते हैं जो लड़ाकू विमान होते हैं वो 80 फीट तक जाते हैं, और जो दूसरे कमर्शियल होते हैं, ठीक है, वो 50, 40, 50, 30, 40, 50 यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, तो अगर इतनी ऊपर था तो इनके पास जो HQ है 16 जो उसकी कॉपी है, तो वो मार गिरा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें काबिलियत नहीं है, क्योंकि S-300 में जो रशिया का है, क्योंकि कॉपी है, वो उसमें भी काबिलियत नहीं है कि ये क्रूज मिसाइल को गिरा सके, ये पक्की बात है, इन्होंने ट्राई जरूर की होगी, उस पर शॉट दिया होगा, एक दो शॉट मारे होंगे, लेकिन वो शॉट कामयाब नहीं हुए होंगे मेरे हिसाब से, मेरे को ये लगता है ये क्योंकि पाकिस्तान वाले ये तो दिखाएंगे नहीं ये कि शॉट मारे या नहीं मारे, ठीक है, तो उन्होंने तो अब अपनी जनता को यही बताना है कि बेवकूफ़ बनाना है, और उनकी जनता में कई लोग हैं जो इसके क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो अपने आप गिराने के बजाय आप क्यों नहीं गिराया, अगर पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, भी भाई करके देखो, हमने ट्राई कर लिया, ठीक है, हमारे जो अभिनंदन जो वो हमारा बालाकोट का तुम्हारा किया था, जो कि हमने आए थे तुम्हारे वहां पे बालाकोट के में जब हुआ था, तो हमने 80 किलोमीटर तक का तुम्हारा ट्राई किया था अंदर, 80 किलोमीटर, और तुमने जो दूसरे दिन किया था ना स्ट्राइक, जो बोलते हो बकवास मारते हो कि हम आए थे हमने भी मिसाइलें मारी हैं ये किया वो किया, और भाई लोग कभी चेक करना, तुम POK के पार ही नहीं करे तुम्हारे जहाज, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर जाते ना तो शूट डाउन हो जाते, तुम पार ही नहीं कर पाए, तुमने इसलिए नहीं पार किया क्योंकि तुम्हें पता था कि इंडिया शूट डाउन करेगा ही करेगा, क्योंकि किसी की हदूद में अगर आप आ जाते हो तो किसी भी कंट्री को हक होता है कि वो उसको जहाज को शूट डाउन कर दे, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, इवन के आपको कमर्शियल प्लेन्स होते हैं उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है, अगर आपने बिना परमिशन उसके जहाज के, चाहे कमर्शियल है आपके उसमें चाहे पैसेंजर बैठे हुए हैं, आप शूट डाउन करने के पूरे हकदार होते हो कि आप वहां पे उसको गिरा सकते हो, ये इंटरनेशनल लॉ कहता है कि विदाउट इंफॉर्मेशन किसी के एयर स्पेस में कोई भी नहीं जा सकता सिवाय परिंदों के, ठीक है, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जाता है किसी भी कंट्री के एयर स्पेस में, तो उसको हक होता है, चाहे उसको फिर चाहे पैसेंजर प्लेन ही क्यों ना हो तो उसको शूट डाउन कर सकता है वो, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी जिस देश का वो है, उसने परमिशन नहीं ली तो वो शूट डाउन हो जाएगा, तो ये बात है, बाकी आप क्या कहते हो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, एक रिक्वेस्ट लास्ट नेक्स्ट वीडियो से मिलने से पहले, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हम आपके साथ ऐसी मैं अपने मन की बात बता सकूँ, आप भी मेरे साथ बात अपने जो है कमेंट में लिखें, और जो पाकिस्तानी मीडिया जो करते हैं ना हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, हम उसको बस्ट कर सकें, तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, देख के जाते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करना शेयर नहीं करना तो सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मेरे मेरे मन में रहे कि हाँ यार मेरे को लोग पसंद कर रहे हैं, जहाँ मेरे मेरी वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, इस मीडिया वॉरफेयर में एक सोल्जर की हैसियत से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को भी थोड़ा हौसला रहेगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।